गुड मॉर्निंग हिमाचल, चलिए नजर डालते हैं हिमाचल की प्रमुख खबरों पर। कुल्लू में देर रात दो सड़क हादसे, तीन की मौत। कंडा घाट में दो कारों में जबरदस्त टक्कर, लगा जाम। हिमाचल में मनाया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, देखें योग शिविरों में लोगों ने कैसे किए योगासन। कुल्लू में 10,000 फीट पर हुआ योग, किन्नौर में भी आईटीबीपी जवानों ने किया योगाभ्यास। और अब खबरें विस्तार से। जिला कुल्लू में दो सड़क हादसे हुए जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई है। पहला हादसा बजौरा के पास पेश आया जबकि दूसरा त्राकड़ा के पास पेश आया। पहले हादसे में दो युवकों की मौत हो गई। एसपी कुल्लू गुरुदेव शर्मा ने बताया कि बजौरा फोर लेन ब्रिज के समीप एक एक्सीडेंट हुआ है। पुलिस थाना भूंतर में मामला दर्ज करके छानबीन शुरू की गई है। दोनों मृतकों का पोस्टमार्टम कुल्लू में करवाया जा रहा है तथा पोस्टमार्टम के बाद नियमानुसार शव को अंतिम संस्कार के लिए परिजनों के हवाले किया जाएगा। वहीं त्राकड़ा के पास एक स्कूटी खड़े ट्रक से जा टकराई जिसमें राज प्रकाश शमशी जिला कुल्लू की मौत हो गई है। कंडा घाट के महेंद्रा क्लब के पास मंगलवार सुबह दो कारों की आपसी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक वाहन सड़क पर ही पलट गया। हालांकि इस टक्कर में किसी को ज्यादा चोटें नहीं आई हैं, लेकिन दोनों वाहन टक्कर के चलते काफी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वहीं कारों की आपसी टक्कर के बाद सड़क पर जाम लग गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हिमाचल में जगह जगह योगासन हुए। इसी कड़ी में हमीरपुर जिला का 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सुजानपुर टिहरा के महाराजा संसार चंद के महलों कटोच पैलेस में मंगलवार को मनाया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय सूचना और प्रसारण एवं युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने शिरकत की। नेहरू युवा केंद्र संगठन के सहयोग से समस्त प्रतिभागियों को सुबह 5 से 6 बजे एकत्रित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने योग का संदेश देश और दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया है। दुनिया ने इसको दिल से अपनाया है और स्वस्थ रहने का मूल मंत्र आज देश और दुनिया तक पहुंचा है। भारत ने न केवल इसको अपने आप तक सीमित रखा, दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाया और आज देखने को मिलता है जैसे सूर्योदय दुनिया के किसी भी कोने में हुआ वहाँ पर योग की शुरुआत हुई और जैसे जैसे उसकी दिशा आगे बढ़ती चली गई अलग अलग देश योग की क्रियाएं करते रहे। ये अपने आप में दिखाता है कि भारत ने इसको कैसे दुनिया में पहुँचाया है। मैं यही कहना चाहूँगा स्वस्थ शरीर रखने के लिए, स्वस्थ परिवार रखने के लिए और स्वस्थ समाज और सशक्त भारत के निर्माण के लिए योग करिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, मानसिक और शारीरिक तौर पर भी रहिए और आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए एक संकल्प लीजिए कि हम स्वयं भी स्वस्थ रहेंगे, बाकियों को भी योग करने की प्रेरणा देंगे और भविष्य में इस अगले 25 वर्षों में अमृतकाल के काल में हम योग को न केवल अपनाएंगे बल्कि जन जन तक पहुंचाएंगे और सशक्त भारत के निर्माण में अपना बहुत बड़ा योगदान देंगे। उधर ऊना जिला की राजकीय प्राथमिक पाठशाला भटोली की नन्ही छात्रा सोनाक्षी में गजब की फ्लेक्सिबिलिटी है। तीसरी कक्षा में अध्ययनरत ये छात्रा पूर्ण शल्व आसन में बड़े बड़ों को मात दे जाती है। सोनाक्षी योग के विभिन्न कठिन आसनों को बड़ी ही आसानी से कर लेती है जिन्हें देखकर हर कोई दंग रह जाता है। 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस विश्व प्रसिद्ध अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल पर धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर भारत सरकार के मंत्री निशित प्रमाणिक मुख्य अतिथि पहुंचे, जबकि सूचना एवं प्रौद्योगिकी व जनजातीय विकास मंत्री डॉ. रामलाल मारकंडे तथा शिक्षा व कला भाषा एवं संस्कृति मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर बतौर विशिष्ट अतिथि केंद्रीय मंत्री के साथ मौजूद रहे। 10,000 फुट ऊंचाई पर योग क्रियाएं
करना अपने आप में एक अलग एहसास रहा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का थीम योगा फॉर ह्यूमैनिटी यानी मानवता के लिए योग निश्चित किया है। उधर किन्नौर प्रशासन द्वारा आईटीबीपी ग्राउंड रिकांगपियो में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग डे मनाया गया, जिसमें जिला प्रशासन, विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारियों के अलावा सेना के जवानों सहित सैकड़ों की तादाद में स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। योग दिवस मनाने में इतना अच्छा योगदान दिया। ये योग जो है, जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ, हर एक जिंदगी का पार्ट होना चाहिए, हर एक की लाइफ का पार्ट होना चाहिए। ये सिर्फ एक दिन के लिए मनाने की बात नहीं है, ये हमें अपनी ज़िंदगी में अपनाना चाहिए। हर रोज़ योग करेंगे तभी हमारे जो है मेंटली विल बी मेंटली फिजिकली एंड इवन इमोशनली विल बी फिट। तो हमारा साइकोलॉजिकली और फिजिकल डेवलपमेंट के लिए योग एक महत्वपूर्ण चीज़ है। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने हमें जो ये ज्ञान दिया है, ये साइंस दिया है, तो ये इसका हमें आज पूरा विश्व इसको मान गया है और उसको अपनी लाइफ का पार्ट बना चुका है।